कोरोना वायरस देश में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसे और बढ़ने से रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है। इस वायरस के संक्रमण में आए लोगों को बचाने के लिए सरकार क्वारंटीन कर रही है। लोगों को बचाने के लिए अलग अलग शहरों में क्वारंटीन सेंटर्स बना रखे हैं। वहां लोगों के खाने पीने और रहने का इंतजाम भी किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार खबरों में देखा होगा कि क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी की वजह से लोग यहां से भाग भी जाते हैं। लेकिन बिहार के बक्सर में एक युवक क्वारंटीन सेंटर खूब भा रहा है। इस युवक की एक आदत की वजह से इस सेंटर के अधिकारी परेशान है। अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस युवक का क्या करें। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि युवक अपने खाने की आदत की वजह से मुसीबत सा बन चुका है। ये युवक एक वक्त में इतना खाना खाता है जितना खाना बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं खा सकता। इसकी डाइट को जानकर आप लोग हैरान भी हो जाएंगे और हमारी इस स्टोरी को देखकर आप लोगों को जरूर कुंभकर्ण की याद आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे बिहार का रहने वाला एक युवक अपनी ज्यादा खाना खाने की आदत से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बक्सर के क्वारंटाइन सेंटर में पेटूराम अकेले खा जाता है 10 लोगों का खाना। दोस्तों, तस्वीरों में जो शख्स आप लोगों को दिख रहा है उसकी सेहत पर मत जाइए। इसकी उम्र महज 21 साल है, लेकिन इसके कारनामे कई बड़े पहलवानों को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, इसकी ताकत तो पहलवानों जैसी नहीं है, लेकिन इसके खाने की रफ्तार पहलवानों को पीछे छोड़ रही है। बिहार के बक्सर के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे इस युवक ने सबको परेशान कर रखा है। इसकी आदतें देखकर एक तरफ लोग हैरान हैं, वहीं क्वारंटाइन सेंटर में खाना बनाने वाले रसोइये भी परेशान हैं। युवक की भूख ने सबको हैरत में डाल दिया है, जिससे वहां रह रहे लोगों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। युवक के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम करना भी अब मुश्किल हो रहा है। मिनटों में चट कर जाता है 40 रोटी, एक बार में खा जाता है 80 लिट्टी। दरअसल इन जनाब का भोजन 2-3 नहीं बल्कि 10 व्यक्तियों के बराबर है। जब अनूप प्रदेश से लौटने के बाद अपने इलाके के एक स्कूल में क्वारंटाइन किए गए तो उनका खाना देखकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के पसीने छूटने लग गए। दरअसल 21 साल का ये नौजवान एक बार में 10 लोगों के बराबर खाना खा जाता है। बात चाहे रोटी की हो या फिर चावल की, अनूप की डाइट आम आदमी से 10 गुना ज्यादा है। हद तो तब हो गई जब अनूप ने सेंटर पर एक दिन रात के भोजन में बिहार के मशहूर भोजन यानी लिट्टी चोखा के मेन्यू में 85 लिट्टियां हजम कर ली। युवक नाश्ते में 40 रोटियां खाता है, दोपहर के भोजन में 10 प्लेट चावल। अनूप ओझा को करीब 10 दिन पहले इस क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया था। वो रोजी रोटी की तलाश में राजस्थान गया था। लॉकडाउन 4 लगने पर वो अपने घर वापस आना चाहता था, लेकिन घर आने से पहले उसे 14 दिन के लिए यहाँ के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। लेकिन ये युवक अब यहाँ के लोगों और अधिकारियों के लिए मुसीबत बन चुका है। शर्त लगाकर एक बार में खा जाता है 100 समोसे। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि अनूप ओझा की खुराक क्वारंटाइन सेंटर पर आने से बढ़ गई है तो आप गलत सोच रहे हैं। पहले भी उसके गांव में उसकी खुराक के चर्चे होते रहे हैं। अनूप के गांव की पंचायत खरहाटांड पंचायत के मुखिया विजय कुमार ओझा की माने तो अनूप पहले भी अपने गाँव में शर्त लगाकर एक बार में करीब 100 समोसे खा जाता था। ऐसा वो कई बार कर चुका है। इस क्वारंटाइन सेंटर की देखरेख करने वाले अधिकारी भी अनूप की खाने की आदत से परेशान है। वह अनूप की पाचन शक्ति पर भी हैरान है कि वो इतना ज्यादा खाना कैसे पचा लेता है। अनूप ओझा के ज्यादा मात्रा में खाना खाने की बात पर उस क्वारंटाइन सेंटर के लोग बताते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में जब खाना बनता है तो ज्यादातर खाना कम पड़ 10 लोगों का खाना खा जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा खाना बनाने की मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ लोग उनको दबी जुबान में क्वारंटाइन सेंटर का कुंभकर्ण भी कहते हैं। क्या ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित है अनूप? सेहत को बिगाड़ सकती है ज्यादा खाने की आदत। मेडिकल भाषा में बार बार भूख लगने या फिर ज्यादा खाने की आदत को फूड एडिक्शन कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इस पर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खाने की आदत होने पर व्यक्ति लगातार खाता ही रहता है। वो खाने पर पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठता है। उसे भरा हुआ पेट अच्छा लगने लगता है। पहले का खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट होते ही वो दोबारा खा लेता है। कई बार तो वो खाना डाइजेस्ट होने का इंतज़ार भी नहीं करता और दोबारा खा लेता है। फूड एडिक्शन की एक खास वजह न्यूरोबायोलॉजिकल इम्बैलेंस है। एक बार इसका लेवल बॉडी में गिरता है तो व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, वो फिर से खाना शुरू कर देता है और फिर उसे बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए हमेशा खाना पड़ता है। हालांकि बार बार खाने वाला व्यक्ति अपनी आदत से
गिल्ट महसूस करता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। बक्सर कानू भी शायद इसी बीमारी से ग्रस्त है। व्यक्ति ना चाहते हुए भी कई ऐसी चीजें खा लेता है जिनके ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है और इससे दिल का दौरा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बिहार के लखन भी हैं ज्यादा खाने के शौकीन। एक बार में खा जाते हैं 700 रसगुल्ले। बिहार के मिथिलांचल में रहने वाले एक लखन भी हैं जो अपनी खाने की आदत के लिए कई अवार्ड पा चुके हैं। बिहार के मधुबनी के रहने वाले लखन के नाम एक बार में 700 रसगुल्ले खाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इतना ही नहीं, लखन 200 के आसपास आम खा लेते हैं। गांव वाले बताते हैं कि एक बार 250 केले खा गए थे। यूं तो लखन अब 55 साल के हो चुके हैं, लेकिन खाने के मामले में उनका रुतबा आज भी कायम है।